Hello everyone, welcome to my YouTube channel Musical Instrument with Ritika. And आज मैंने आपके लिए जो टॉपिक पर वीडियो बनाया है वो थोड़ा न्यू टॉपिक है तो कीबोर्ड से रिलेटेड. सो मैं अभी सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ अपने चैनल पर, जिसमें मैं आपको बताऊँगी स्टेप नोटेशन के बारे में. ठीक है, तो इसमें मैं आपको बेसिक से जो है इसकी नॉलेज दूंगी कि आप कैसे स्टाफ नोटेशन जो आपने सुना होगा तो उसको आप कैसे समझोगे. ठीक है, तो बहुत सारे बेसिक्स मैं बताऊंगी इसके, कैसे रीड करोगे आप ये भी बताऊंगी. तो आई होप कि आप मेरे वीडियोस के साथ में बने रहेंगे और ज़रूर इनसे कुछ सीखेंगे. तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ कीबोर्ड फंक्शंस पर, और मैंने ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस पे कीबोर्ड की वीडियोस बनाई हुई है. रिदम एडिटिंग, टोन एडिटिंग, पिच बैंड एंड साथ में ही फ्रेज पैड फंक्शंस, ऑल द फंक्शंस मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं. तो आप मेरे चैनल में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं अगर आपको किसी फंक्शन के बारे में जानना हो. सो टुडे स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक रिलेटेड टू स्टाफ नोटेशन. सो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि स्टाफ नोटेशन क्या होता है, जो वेस्टर्न जो शीट नोट होती है, आप शीट नोट बोलते हैं जिनसे वो हम सॉन्ग्स को बजाते हैं या किसी भी टोन को हम ट्यून को हम प्ले करते हैं तो उसे हम शीट नोट बोलते हैं. तो उस नोट को कैसे लिखते हैं, उसको कैसे समझेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी. तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं. जैसे ये फाइव लाइंस जो होती हैं, 1 2 3 4 5, ये फाइव लाइन जो होती हैं इसे बोलते हैं स्टाफ. तो ये फाइव लाइंस में ही हमारे जो नोट्स होते हैं वो सारे लिखे जाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइंस, इसको ये जो बार्स हैं इनको स्टाफ बोलते हैं. उसके बाद में इसमें सबसे पहले जो राइट हैंड साइड के लिए जो सिंबल होता है उसे बोलते हैं ट्रबल क्लिफ. सबसे पहले राइट हैंड साइड पे बोलते हैं ट्रबल क्लिफ. और लेफ्ट हैंड पे जो होता है, लेफ्ट हैंड पे जो सिंबल होते हैं उसे बोलते हैं बेस क्लेफ. और इससे ही हम जो है पहचान होती है कि हमें कौन से जो है वो राइट हैंड से बजाने हैं और कौन से लेफ्ट हैंड से बजाने हैं, इस सिंबल से ही हम पहचान करते हैं. तो ये है आपका ट्रबल क्लेफ, ये है आपका बेस क्लेफ. ठीक है, अभी नाउ अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से नोट्स होते हैं जो कि हम इन बार्स में रखते हैं और उसे पहचानेंगे. एक हम इस तरह का बनता है, एक सर्कल शेप में होता है और यहाँ पे थोड़ा साइड में थोड़ा मोटा होता है, इसे बोलते हैं, ये होता है होल नोट. ये होल नोट होता है. होल नोट की जो काउंटिंग होती है वो फोर काउंटिंग होती है. अभी मैं बताऊंगी आपको कि ये फोर क्या है. तो होल नोट की काउंटिंग क्या होती है, फोर. इसके बाद में होता है, इसको बोलते हैं हाफ नोट. ये इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, हाफ नोट. फ्रेंड्स, अगर मुझसे ड्राइंग में ये बनाने में कुछ गलती हो जाए तो आप थोड़ा अंडरस्टूड कर लेना, बिकॉज ये जो साइन होते हैं ये सबके, जैसे कि हैंडराइटिंग सबकी अपनी अपनी होती है तो साइन भी थोड़े बहुत अपने हिसाब से ही बनते हैं. तो
और मेरी हैंड राइटिंग ऑलरेडी थोड़ी अच्छी नहीं है, तो आप इसे समझ लेना इन सिंबल्स को कि मैं क्या बनाया। ठीक है, यहाँ पे इसमें बीच में खाली है, हाफ़ नोट, हाफ़ नोट को हम काउंट करते हैं टू बीट। इसके बाद में आता है ये अंदर फिल होता है, ये वाला खाली था, ये वाला खाली है, ये वाला फिल्ड है, फिल्ड वाले को बोलते हैं क्वार्टर नोट की काउंटिंग होती है 1। अभी नेक्स्ट जो मैं बना रही हूँ ये एक्चुअली मुझसे बनता नहीं है, इसमें इस तरह से होता है, तो इसे बोलते हैं 8 नोट। ओके, और इसकी काउंटिंग होती है 1/2। और इसके बाद में एक और साइन होता है जिसमें हम इसको ऐसे करके ऐसे करते हैं, सेम ऐसे ही बनता है बट इसमें फ्लैग की तरह 2 कर देते हैं। ये होता है 16th नोट, और इसकी काउंटिंग होती है 1/4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी क्या है कि ये जितने भी सिंबल्स हैं ना, तो ये तो अभी मैंने ये बताया कि ये इनकी कैसे इनको काउंटिंग करते हैं, ठीक है ना। इसको होल नोट बोलेंगे तो ये पूरे 4 बीट का होगा, ये हाफ नोट बोल रहे हैं तो ये इसका हाफ है, 2 बीट का है, ये क्वार्टर नोट है तो ये इसका क्वार्टर 1 है, ये 8th नोट है तो इसका होल नोट का 1/2 है, और ये 16th नोट है यानी कि होल नोट का 1/4 है। अभी ये जितने भी सिंबल्स हैं ना, ये इन सिंबल्स के नाम भी होते हैं, तो इन सिंबल्स के नाम आपको याद कर लेना। अगर आप ट्रिनिटी का फॉर्म भरते हो या फिर आप कहीं पे कीबोर्ड के लिए अप्लाई करते हो किसी स्कूल में, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन काफ़ी काम आती है। तो इसका नाम है सेमी ब्रीव। इस सिंबल का नाम होता है सेमी ब्रीव। इस हाफ नोट वाले सिंबल का नाम होता है मीनिंग। इस क्वार्टर नोट वाले सिंबल का नाम होता है क्रॉचेट। इस 8th नोट वाले सिंबल का नाम होता है क्वावर, एंड इस 16th नोट वाले सिंबल का नाम है सेमी क्वावर। सो ये बेसिक्स हैं इन सारे सिंबल्स की, साइंस की जो बेसिक नेम और जो उसके बीट्स की काउंटिंग है, ये मैंने यहाँ पे बताया। अभी इसमें एक और चीज़ आती है जिसमें कि जो ये सिंबल है, इस सिंबल में इन सभी में रेस्ट होता है, रेस्ट यानी कि जहाँ पे हम उस नोट पे रुक जाते हैं, ठीक है ना। रेस्ट मींस उस नोट पे हम थम जाते हैं, तो इस सिंबल के का जो रेस्ट सिंबल होता है वो होता है ये रेस्ट सिंबल है। अभी सेमी ब्रीव का ये रेस्ट सिंबल है, मिनिम का रेस्ट सिंबल ऊपर है। इसके बाद में आपके क्रॉचेट का जो रेस्ट सिंबल है वो कुछ इस टाइप से बनता है, फिर क्वावर का जो रेस्ट सिंबल है वो कुछ
ऐसे बनता है वाई की शेप में, और सेमी क्वेवर का जो रेस्ट सिंबल है वो भी ऐसे करके फिर डबल हो जाता है। तो ऐसे करके ये सारे रेस्ट सिंबल बनते हैं। अभी एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि ये जो लाइंस होती हैं इन लाइंस में एक लेजर लाइन बनती है, तो वो लेजर लाइन ऐसे बनती है, तो इसे हम बोलते हैं लेजर लाइन। ये यहाँ पे कितनी भी बन सकती हैं, कितनी भी बन सकती हैं लेजर लाइन, तो इन्हें हम बोलते हैं लेजर लाइन। और जो ये फाइव लाइंस हैं ये तो स्टेव बोलते हैं इनको, स्टेव बोलिए या स्टाफ बोलिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप पुट करोगे इन सारे नोट्स को इन स्टेव लाइंस पर। तो सबसे पहले, अभी हम लेजर लाइन को काउंट नहीं करेंगे, सबसे पहले जो सबसे नीचे की लाइन होती है, फिफ्थ लाइन, फाइव लाइंस में सबसे नीचे की जो लाइन होती है उसको बोल, उसमें आता है ई, एंड ई के बाद जो ये वाली स्पेस वाली लाइन स्पेस होता है उसमें आता है एफ, फिर जो ये लाइन होती है इसमें आता है जी, ए बी सी डी ई एफ, ये पूरा सीक्वेंस आता है ई एफ जी ए बी सी डी ई एफ। लाइंस में भी आएगा नोट और स्पेस में भी नोट आएगा, यहाँ पे स्पेस है वहाँ पे भी एक नोट आएगा। अब अंडर स्टूड है कि अब इसके नीचे आएंगे तो ई के नीचे डी हो जाएगा, डी के नीचे जो लेजर लाइन है उसमें सी हो जाएगा, सी के नीचे जो ये है स्पेस है इसमें बी हो जाएगा, बी के नीचे ए हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो नोट्स हैं ये इन लाइंस पे पुट होंगे। अभी एफ के ऊपर जो ये स्पेस है यहाँ पे जी हो जाएगा, और जी के ऊपर जो लेजर लाइन आएगी यहाँ पे ए हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारे नोट्स आएंगे। और इसमें ये है आपका ट्रबल क्लेफ, यानी कि राइट हैंड पे जो हम प्ले करते हैं। अभी लेफ्ट हैंड पे जो हम प्ले करते हैं उसमें थोड़ा सा चेंज है, उसमें यहाँ पे जो सबसे नीचे वाला होता है इसमें आता है जी, और फिर यहाँ से सीक्वेंस शुरू हो जाएगा जी ए बी सी डी ई एफ जी ए, और फिर यहाँ पे बी, और फिर यहाँ पे सी। अभी ये और ये सी सेम हो गए, मतलब इस लाइन में, इस लेजर लाइन में जो सी आया है, ये सी और ये लेजर लाइन सेम हो गई, मतलब अगर ये सारे हटा दिए जाएं तो ये सी और ये सी सेम है, इन दोनों के बीच की लाइन है सी, सी सेम हो गया, और फिर सी से नीचे हम इधर उतर गए सी बी ए जी एफ ई डी सी बी ए जी, वही चलता रहेगा एफ ई डी सी, वही सीक्वेंस चलता रहेगा। तो ये सीक्वेंस है, बट अभी इसमें थोड़ा सा खिचड़ी बन रही है क्योंकि मैंने लेजर लाइन में लिख दिया है। फिलहाल अभी आप याद करने के लिए सिर्फ इतना समझो कि जो ट्रबल क्लेफ है उसमें एवरी लाइन बना के बता देती हूँ, एवरी गुड बॉय डज फाइन, एवरी गुड बॉय डज फाइन, या आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या आता है एफ ए सी ई फेस, तो इससे आप याद कर सकते हो कि एवरी गुड बॉय डज फाइन एंड एफ ए सी ई फेस। तो ये आप नोट्स ऐसे याद कर सकते हो कि लाइंस पे ये आएगा और स्पेस जो है उस पर ये आएगा। अभी लेफ्ट हैंड का जो है इसमें एवरी हट जाता है, गुड से आता है, गुड
boys. कुछ भी आप बना सकते हो. गुड बॉयज, गुड बॉयज डज डू लाइक डू फुटबॉल. गुड बॉयज डोंट फाइट अगेंस्ट समथिंग लाइक दिस. या फिर गुड बॉयज डोंट फ्रिटन एनिमल. यस, आप ये कर सकते हो कि गुड बॉयज डोंट फ्रिटन एनिमल. और यहाँ पे जो एफ ए सी ई था तो एफ ए सी ई की जगह आ जाएगा ए सी ई एफ. नो सॉरी जी, ए सी ई जी एस जी. ठीक है ना, तो ये आप ऐसे करके याद कर सकते हो इन नोट्स को. मैं स्लोली बता रही हूँ ये पूरा, जिससे कि आप मतलब स्लोली बताऊँगी तो आप एक एक चीज़ आपको क्लियर होती जाएगी ना, इसलिए. तो इस वीडियो में फ़िलहाल मैंने ये जो बेसिक्स बताए हैं इस वीडियो में इतना ही, बिकॉज़ ये वीडियो ऑलरेडी 15 से 17 मिनट की हो गई है. नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे हम इन बीट्स को कैसे रीड करते हैं इस स्टाफ नोटेशन के थ्रू. इन जो ये लाइंस हैं, स्टेव लाइंस हैं, इनमें कैसे हम इसको पुट करते हैं और कैसे हम इसको रीड करते हैं, ये चीज़ें मैं बताऊंगी. और कैसे आप ये जो बीट होते हैं, इन बीट्स को आप बजाते हो, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही. और इससे रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं आपको श्योरली आंसर दूँगी. और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा. और अगर आपको ये वीडियो, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने इस टॉपिक को बनाई हुई है ऑलरेडी, बट अगर ये वीडियो में आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगता है कि किसी का इससे नॉलेज मिल सकती है, तो आप इसे प्लीज़ शेयर करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा. आई रिक्वेस्ट. सो थैंक यू सो मच.